हेलो बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 2 में आज हमको पढ़ना है बेटा ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। आज हमको डिस्कस करना है आप लोगों से, तो हमको देखिएगा आज ह्यूमन का सेक्स ऑर्गन। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं बेटा सेक्स ऑर्गन की। तो यदि हम बात करें सेक्स ऑर्गन, तो नॉर्मली जो ह्यूमंस में होते हैं सेक्स ऑर्गन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हम सेपरेटली लिख लेंगे, ये हमारा हो गया बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यदि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों में सेपरेट होते हैं। यदि हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो मेल और फीमेल में दोनों में सेपरेट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेपरेट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मतलब मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा। मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होगा। इसके पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम सेपरेट डिवाइड क्यों किए हैं, क्या रीज़न हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को अलग अलग डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फंक्शन के हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे। तो मान लीजिए यदि हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है बेटा गैमीट फॉर्मेशन। जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प दी गैमीट फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, इनका काम होता है हेल्प दी गैमीट फॉर्मेशन। जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ये क्या काम करते हैं, हेल्प दी गैमीट फ्यूजन। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं गैमीट फ्यूजन में हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है गैमीट्स को बनाता है। बट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और स्पेशल काम होता है, क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये सेक्स हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है। सेक्स हॉर्मोन सिक्रीशन भी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन करता है। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में यदि हम दोनों में सेपरेट देखें, तो मेल जो होता है मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है टेस्टिस। फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है ओवरी। फीमेल में होती है ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब मैंने बोला कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के सेमाइनल वेसाइकल ट्यूब में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स, जिसका नाम है बेटा स्पर्म। ऐसे ही यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी एक प्रोसेस होती है। अब फीमेल में जो प्रोसेस होती है ओवरी में उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस, और जो ऊजेनेसिस प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में बनता है ओबम, जो कि फीमेल गैमिट्स होता है। सेम ऐसे मेल और फीमेल ये दो प्रोसेस में, मेल में बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म, फीमेल में ऊजेनेसिस से क्या बनेगा, ओवम। क्लियर? ऐसे ही हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी मेल और फीमेल में सेपरेटली अलग अलग होते हैं। यदि हम बात करें मेल में, तो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे मान लीजिए पहला हमने ले लिया पेनिस। पेनिस जो होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। पेनिस के बाद हमने ले लिया सेमाइनल वेसाइकल, हमने ले लिया वॉस डिफरेंसिया, इसी में हमने ले लिया प्रोस्टेट, हमने ले लिया वॉस इफरेंसिया, हमने ले लिया एपिडिडाइमिस। इतने सारे जो होते हैं मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। सेम ऐसे ही हम फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करते हैं। यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी हम ले लिए
फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की यदि हम बात करें तो फीमेल में कौन कौन से ले लेंगे, तो फीमेल में जैसे हमने पहले ले लिया वेजाइना, हमने ले लिया फैलोपियन ट्यूब, हमने ले लिया यूटेरस, क्लियर। फीमेल में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी सेकेंडरी एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, क्लियर। जैसे जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है फीमेल में, वो एक्चुअल में एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसका जो गैमीट ट्रांसफर में गैमीट फ्यूजन में उसका रोल नहीं होता है, क्लियर। वो एट द टाइम ऑफ कोइटस कुछ हार्मोन सेक्रेशन के लिए हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा मैमरी ग्लैंड, क्लियर। ये होती है मैमरी ग्लैंड। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को कैटेगराइज करेंगे। यदि हम फिर से बात करें कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल में, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो मेल में होता है वो टेस्टिस होता है, फीमेल में जो होता है वो ओवरी होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बात करें हम मेल में, तो मेल में पेनिस हो गया, और आपका वॉस सेमाइनल वेसाइकल हो गया, वॉस डिफरेंसिया हो गया, वॉस डिफरेंसिया हो गया, प्रोस्टेट हो गया, एपिडर्मिस हो गया। फीमेल में बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का, तो वेजाइना हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया, और एसेसरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, क्लियर। इस तरह से हम मेल और फीमेल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, कुछ मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी फॉरेन फैक्टर्स की वजह से या किसी भी अदर कंपोनेंट्स या सब्सटेंस की वजह से, यदि मान लीजिए कि मेल या फीमेल के किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन में कोई भी डिजीज़ या भयानक कैंसर हो जाता है, तो उस ऑर्गन्स को वहाँ से काट के बाहर निकालना एक ज़्यादा सुटेबल होता है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि यदि हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को कट करके बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टॉमी, क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी भी सेक्स ऑर्गन को काट के बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं टॉमी। और यदि किसी को ऐड करना है, हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन को ऐड करना है, तो उसको हम बोलते हैं पैक्सी, क्लियर। अब यदि हम बात करें, मान लीजिए किसी भी रीजन से टेस्टिस में कैंसर हो गया, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से टेस्टिस में कैंसर हो गया, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सुटेबल ट्रीटमेंट यही होगा कि हम कैंसरस टेस्टिस को काट के बाहर निकाल दें। तो कैंसरस टेस्टिस को काट के बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसके पहले हमको टेस्टिस का मेडिकल टर्म समझना पड़ेगा कि टेस्टिस को हम मेडिकल में कौन सी टर्म यूज़ करते हैं टेस्टिस के लिए। तो टेस्टिस के लिए मेडिकल टर्म में हम यूज़ करते हैं बेटा ऑर्ची, क्लियर। सेम एज इट इज़ कहानी ओवरी के लिए, तो ओवरी के लिए हम यूज करते हैं ऊपर। कुछ और इम्पोर्टेंट है, यदि हम बात करें वेजाइना का, तो वेजाइना के लिए मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं कॉल्पो, फैलोपियन ट्यूब के लिए हम यूज करते हैं साल्पिंगो, यूट्रस के लिए हम यूज करते हैं हिस्टरो, क्लियर। अब देखिए ये इनकी हो गई मेडिकल टर्म। अब मैंने क्या बताया कि टॉमी मतलब होता है कट करना या रिमूव करना, है ना। टॉमी मतलब वो ऑर्गन को कट करके रिमूव करने के लिए टॉमी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जैसे टेस्टिस को कट करके बाहर निकालने को टेस्टिस का मेडिकल टर्म है ऑर्ची, और काटने को बोलेंगे टॉमी। तो टेस्टिस को कट करके बाहर निकालने को हम बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रा क्या बोलेंगे, यहीं पे वीडियो रोक के कमेंट करके बताइए क्या बोलेंगे। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्चिटॉमी। क्या बोलेंगे, ऑर्चिटॉमी। ऑर्चिटॉमी एक ऐसी टर्म हो जाती है जिसमें हम टेस्टिस को कट करके मेल के स्कोटम सेक्स से उसको बाहर रिमूव करते हैं। सेम यदि हम बात करें आपके ओवरी को कट करके बाहर निकालना, तो ओवरी को कट करके बाहर निकालने को हम बोलेंगे ऊपर टॉमी, क्लियर। सेम एज इट इज, सेम कंडीशन यदि हम वेजाइना को कट करके बाहर निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे कॉल्पोटॉमी। फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकालते हो तो बोलोगे साल्पिंगो टॉमी। यूट्रस तो बहुत कॉमन है, यूट्रस कैंसर भी बहुत कॉमन है, यदि आप यूट्रस को कट करके बाहर निकालते हो तो आप इसको बोलोगे हिस्टेरेक्टॉमी, क्लियर। इस तरह से आपके
जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, बस एक फ्लो चार्ट बना लिया हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर वो एम्ब्रियो के एब्डोमेन कैविटीज़ में होती हैं। याद रखिएगा इनिशियली जो टेस्टिस होता है, तो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो टेस्टिस मेन एम्ब्रियो के एब्डोमेन में होता है, ना कि स्क्रोटम सैक में। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, तो अब जैसा कि मैंने बोला कि अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्या अपन स्टार्ट करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन स्टार्ट करने के लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन में हम एम्ब्रियो का डायग्राम बनाते हैं। एम्ब्रियो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के किस पार्ट में टेस्टिस प्रेजेंट होती है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियो के इंट्रायूटेराइन लाइफ। जब एम्ब्रियो मतलब यूट्रस में होता है माँ के, उस टाइम पे यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे एम्ब्रियोनिक, चलो अपनी एक काम करते हैं यहाँ पे हम एम्ब्रियो का डायग्राम बना लेते हैं कि वो एक्चुअल में कैसा रहता है, उसकी क्या पोजीशंस होती है। तो सबसे पहले देखो यदि हम बात करें, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये अपना मेल एम्ब्रियो है, समझिएगा ये मान लीजिए कि अपना एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो अभी ये वाला जो एम्ब्रियो है एब्डोमेन में है, एब्डोमेन में आप ये मान के चलिए कि दिस लोकेशन, ये वाली ऊपर वाली लोकेशन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, और ये इसके जो नीचे वाला एरिया है वो पेल्विक रीजन है, वो क्या है, ये पेल्विक रीजन है। क्लियर? अब इनिशियली मैंने क्या बोला जो टेस्टिस है वो एम्ब्रियो के एब्डोमेन में रहती है, तो ये इसकी टेस्टिस की पोजीशन है, ये टेस्टिस की पोजीशन है, ये वाली को हमने बोल दिया राइट टेस्टिस, इसको हमने बोल दिया लेफ्ट टेस्टिस। क्लियर? ये हो गई राइट टेस्टिस, ये हो गई लेफ्ट टेस्टिस। अब जो राइट और लेफ्ट टेस्टिस होती है इनिशियली कहाँ होती है, एब्डोमेन में, बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन के टाइम में इनमें क्या मैकेनिज्म होती है वो समझेंगे। क्लियर? तो चलिए यदि हम बात करें टेस्टिस, तो जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, अब इस टेस्टिस में एक कॉर्ड होती है जिस कॉर्ड के अंदर चार या पांच वेसल्स होती हैं, तो यदि हम बात करें तो ये एक कॉर्ड होती है जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड कॉर्ड, और इस कॉर्ड के अंदर या बाहर चार वेसल्स टाइप का रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डक्ट होती है जो कि टेस्टिस से बाहर निकलती है, जिसको हम वॉस डिफरेंशिया बोलेंगे, आगे चल के वो एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंशिया में कन्वर्ट होती है। क्लियर? सेम टू सेम टेस्टिस के अंदर एक आर्टरी आती है प्योर ब्लड लेके, इस आर्टरी को हम बोलेंगे गोनेडियल आर्टरी। क्लियर? अब टेस्टिस में ब्लड का ऑक्सीडेशन करता है, ब्लड टेस्टिस के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह रहता है वहाँ से ब्लड इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गोनेडियल वेन जो होती है ब्लड लेके बाहर निकलती है, तो यहाँ से ये हो जाएगी हमारी गोनेडियल, ये हो जाएगी गोनेडियल वेन। क्लियर? अब टेस्टिस में सेंसिटिविटी के लिए यहाँ पे नर्व्स भी होती है, तो यहाँ पे एक नर्व होगी जिसको हम बोल देंगे गोनेडियल नर्व। टेस्टिस में इन्फेक्शंस ना हो तो इन्फेक्शंस के लिए वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम्स भी होता है, तो यहाँ पे होता है क्या, लिम्फेटिक। इस तरह से
इस तरह से टेस्टिस के अंदर एक कॉर्ड होता है जिसके अंदर चार, जिसके अंदर पांच चीज़ें कंटेंस होती हैं, तो ये इसको हम बोल देंगे स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्लियर बेटा? अब यदि हम बात करें ये टेस्टिस में जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है, ये जो कॉर्ड है, तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड टेस्टिस का ये जो स्क्रोटम सैक है, ये है स्क्रोटम सैक, और टेस्टिस का ये वाला होता है इंग्वाइनल कैनाल। ये स्क्रोटम सैक है, ये है इंग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस से जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है, जैसे मान लीजिए ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है, तो टेस्टिस को एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे, यहाँ पे लिख दीजिए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे टेस्टिस जो होती है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में मूव करती है। क्लियर? ये इधर आती है, जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में आती है तो क्या मैकेनिज्म होता है? तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है जिसका एक और नाम है मीजोरचियम, जो स्पर्मेटिड कॉर्ड या मीजोरचियम होता है, जिसको हम गुवर्नेकुलम भी बोल सकते हैं, जिसको हम गुवर्नेकुलम भी बोल सकते हैं, ये टेस्टिस को एब्डोमिन से कहाँ लेके आती है? स्क्रोटम सैक में। ये टेस्टिस से कहाँ लेके आती है? स्क्रोटम सैक में। अब यदि हम थोड़ा सा स्क्रोटम सैक के बारे में बात करें, तो स्क्रोटम सैक की जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये स्किन है। स्क्रोटम सैक के अंदर जो लेयर होती है, ये जो स्क्रोटम सैक के जस्ट अंदर एक लेयर होती है, ये स्क्रोटम सैक के जस्ट अंदर ये लेयर होती है, जो कि दो लेयर बनाती है, एक बाहर और एक अंदर। तो ये जो अंदर वाली लेयर हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं डाल्टोस मसल्स, डाल्टोस लेयर, जो कि डाल्टोस मसल्स की बनी होती है। और जो इसके अंदर लेयर होती है, इस वाले को हम बोल देंगे स्पर्मेटिड फेसिया। जो स्पर्मेटिक फेसिया होता है बेटा, स्पर्मेटिक फेसिया ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर? ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखिएगा। और जो इस स्क्रोटम सैक्स में बाहर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ और समझिएगा, ये जो टेस्टिस आप एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में लेके आए हो, तो ये स्क्रोटम सैक में फ्री नहीं होती, यही कॉर्ड जो होता है तो इसकी लेयर से अटैच हो जाती है, स्किन लेयर से, जिसको हम बोलते हैं मीजोरचियम। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मीजोरचियम। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ और हम समझेंगे कि जो आपकी डाल्टोस मसल्स होती है, ये टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। और टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट क्या करती है? हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, आप लोग बताइएगा कि जो टेस्टिस, जो स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर होता है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद यदि हम बात करें, जो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर चाहिए होता 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो जो स्क्रोटम सैक में डाल्टोस मसल्स होती है, इस डाल्टोस मसल्स में टेम्परेचर रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है। कैसे एबिलिटी होती है? तो जैसे मान लीजिए कि समर सीजन है, समर सीजन में जो डाल्टोस मसल्स होती है, उसमें रिलैक्सेशन होता है, और जो अपना पाउच होता है, स्क्रोटम सैक जो होता है, उसका साइज बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर होता है, हीट लॉस की वजह से बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है। क्लियर हुआ? यदि यही चीज़ होता है ठंडी में, कोल्ड सीजन में यदि यही चीज़ होता है, तो कोल्ड सीजन में क्या होता है, डाल्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसका साइज छोटा हो जाता है,
जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के स्क्रोटम सैक का हीट लॉस नहीं होता। हीट लॉस यदि नहीं होगा ज़्यादा तो स्क्रोटम सैक गर्म बना रहेगा और वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया बेटा हमारा तो ये हो गया बेटा सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के बाद मैंने मेल सेक्स ऑर्गन में बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लिया हूँ। अब कल अपन मेल सेक्स ऑर्गन का डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।